हेलो फ्रेंड, मैं रजनी जायसवाल, मेरा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं वेज स्प्रिंग रोल बनाने जा रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं शुरू करती हूँ। हमने मैदा इसमें 1 कप लिए हैं और कॉर्नफ्लावर हमने इसमें 1.5 चम्मच लिए हैं। हमने प्याज को इस तरह लंबा कट कर किए हैं। हमने कैप्सिकम को इस तरह लंबा कट किए हैं। हमने कैरेट को इस तरह लंबा कट किए हैं। हमने लहसुन 5 कली को इस तरह चॉप करके लिए हैं। हमने पत्ता गोभी को इस तरह लंबा कट करके लिए हैं। हमने विनीगर लिए हैं 1 स्पून। हमने सोया सॉस लिए हैं 1 स्पून। टमाटो सॉस लिए हैं 1 स्पून। नमक टेस्ट अनुसार। चिल्ली सॉस हमने लिए 2 स्पून। ब्लैक पेपर हमने लिए हैं 1 स्पून। आइए हम बनाने शुरू करते हैं। हमारा तेल हमने 1 स्पून डाले थे। हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें हम लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने तक करते हैं। हमने सब्जी को डाल दे रहे हैं। हमने इसको 1 मिनट तक चला ले रहे हैं। इसमें हम नमक डाल रहे हैं। हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। हमने इसमें विनीगर डाल रहे हैं। सोया सॉस डाल रहे हैं। टमाटो सॉस डाल रहे हैं। चिल्ली सॉस डाल रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। ये हो मेरा हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसको घोल बना के रेडी कर लेती हूँ। मैं इसको तब तक घोल बनाती हूँ। दोनों मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा पानी डालती हूँ। बाद में इसको अच्छा से घोल बना लेती हूँ। मैं इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। मैं इसमें धीरे धीरे वो पानी डाल के अच्छा से पहले घोल बना लेती हूँ। बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं पतला सा करूंगी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के इसको मिक्स करके अच्छा से घोल बना रही हूँ पतला सा। घोल हमारा हो गया है। ना ज्यादा मोटा हमको रखना है ना ज्यादा पतला रखना है। बिल्कुल मिल्क जैसा रहता है वैसा रखना है। मैं इसको 2-3 मिनट के लिए प्लेट से ढक के रखती हूँ।
प्लेट में थोड़ा सा कम फ्लोवर लगा दे रहे हैं क्योंकि जब हम स्प्रिंग रोल का पट्टा बना के इसमें रखेंगे तो चिपकेगा नहीं। ये फ्राई पैन गरम हो गई है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ ऐसे कपड़ा से। अब मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ। ऐसे डाल के इसको बचा हुआ है मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको ऐसे ऐसे करके चारों पट्टी सेक लेती हूँ। देखिए मेरा ऐसा बन गया है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इसको इस तरह प्लेट में निकाल के ऐसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तब तक मैं दूसरा भी देखिए इस तरह डाल रही हूँ। बचा हुआ मैं इसमें निकाल लेती हूँ। चारों तरफ ऐसे इस तरह मैं चारों तरफ ऐसे घुमा घुमा के इसको सेक लेती हूँ। मैं इसमें तेल डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम स्प्रिंग रोल को इसको रेडी कर लेते हैं। मैं इसको साइड में थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। मैं इसमें सब्जी डाल रही हूँ। देखिए मैं इस तरह ऐसे करके इधर मोड़ रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, इधर भी फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा लगा लेती हूँ। मैं कॉर्न फ्लोवर थोड़ा सा घोल बचा था ना, मैं इसको साइड में लगा लेती हूँ। जो ये फ्राई करने के वक्त इसका खुलेगा नहीं, मैं अच्छा से इसको बंद कर लेती हूँ। मैं इसको ऐसे 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 आराम से राउंड कर लेती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको सब्जी को इधर डाल लेती हूँ। मैं इसको देखिए साइड में ऐसे बंद कर रही हूँ। इसको कम फ्लावर का घोल जो बचा हुआ है मैं इसको साइड से लगा लेती हूँ।
इसको साइड से अच्छा से ऐसे बंद कर लेती हूँ। ऐसे घुमा घुमा के ऐसे राउंड करके मैं इसको बंद कर लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसको ज्यादा गर्म नहीं करना है। मैं इसको आराम से तेल में डाल रही हूँ। ये स्प्रिंगरोल हो गया है, मैं गैस बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। मैं इसको इस तरह कट करती हूँ। इस तरह कट करके एक प्लेट में सर्व करती हूँ। हमारा वेज स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। आप घर में एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।